So what is the level of reading going on right now? In today's video, I will share that. But before that, there are two important things that I want to share. The first one is location. Actually, we recently humne ek 18th ko batch start kara, 21st ko batch start kara, offline and online dono. और जब कुछ स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज मिलने आती हैं तो अभी भी वो पुरानी लोकेशन पे जाते हैं जहां से हमने शिफ्ट कर लिया. हम मूव कर चुके हैं 17th नंबर स्ट्रीट, मेन अजीत रोड, बठिंडा. और दूसरी चीज़, कॉल करके आना, क्योंकि यहां पे मैं एक तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पेरेंट्स से या स्टूडेंट से, एंड एक वार्निंग है इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि जब कोई मिलने आता है, कभी कभी नहीं मिलता सेंटर, तो आप जब किसी से पूछते हो, किसी इंस्टीट्यूट से पूछते हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ जपनीत सर इज टीचिंग हेयर, जो कि गलत है. तो दैट्स वाई आप कॉल करके आना, क्योंकि मैं मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस होती हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक. और एक दिन पहले अगर आप कॉल कर लोगे या फिर मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है ना. मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा और आप मिल सकते हैं. वी आर स्टार्टिंग अवर पीटीई एंड आवर्स बैचेस, सो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो गिवन नंबर्स पे. एंड सेकेंड थिंग इज कि हमारे अकॉर्डिंग चलो, कोई भी क्लास स्किप ना करो, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये होता है कभी कभी क्लास स्किप कर देते हैं, कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, कभी कभी वैसा रीडिंग का पैसेज रह जाता है जो पेपर में आ सकता है. ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ रहे हो. समझ रहे हो ना. लेट्स टॉक अबाउट द लेवल ऑफ रीडिंग. सो इन द रीसेंट एग्जाम्स 9th अप्रैल एंड 16th अप्रैल, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों स्लॉट्स की बात करूंगा, तो अगर देखें तो इजी मॉडरेट से ज्यादा आगे बढ़ा नहीं है, हद इजी मॉडरेट तक रह रहा है. दैट मींस कि अब जो चांसेस हैं एग्जाम के, स्पेशली रीडिंग पार्ट के, इन द अपकमिंग टेस्ट डेट्स, चांसेस हाई हैं कि ये इजी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इजी मॉडरेट हो सकता है. तो इसको प्रिपेयर करने के लिए दो मेन टिप्स हैं या फिर ट्रिक्स लगा लो, ठीक है. मैंने काफी वीडियोज में ऑलरेडी शेयर करी हैं ये चीजें. पहली तो ये, एक तो 2B टेक्निक होती है. 2B टेक्निक इन द सेंस कि आप दो पैसेजेस पे वर्क करो. आप 40 में से 25, 26 या 27, जो भी दो पैसेजेस में जितने भी होते हैं, उतने अटेम्प्ट कर सकते हो. इससे क्या है कि आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा और आपके आंसर्स ज्यादा एक्यूरेट होंगे. लोकेशन तो सभी को मिल जाती है, बट द थिंग इज वी नीड एक्यूरेट आंसर्स. उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए, तो ये ट्रिक वर्क कर सकती है. या जो सेकेंड टिप है, सेकेंड मेथड है, दैट इज T30. आप सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो आउट ऑफ 40 इन 60 मिनट्स. और वो 30 क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे जो आपके परफेक्ट हैं. जैसे हमने स्टूडेंट्स को लिस्ट ऑफ हेडिंग या फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन रटा दिए हैं एक तरह से, क्योंकि वो चीज़ें कभी गलत नहीं होती. आप देख सकते हो मैंने रिसेंटली रिजल्ट्स भी अपलोड करे हैं, क्योंकि हम यही स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं क्लास में भी. आप भी यही चीज करो, अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को, लिस्ट ऑफ हेडिंग को, ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स को, इनको अच्छे से आप, मतलब एक स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है हर स्टूडेंट की. हमारी खुद की स्ट्रेटजीज हैं और एक स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की होती हैं, कि भाई एक बंदा ये स्ट्रेटजी करता है, एक बंदा अंडरस्टैंड करता है, एक बंदा कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा और फोकस कर लो. 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बैठोगे आउट ऑफ 40 में से, और वो भी आपके फेवरेट वाले, तो चांसेस ज्यादा हैं बैंड स्कोर के. बाकी रही रीडिंग के लेवल की बात, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन करा है, इजी या फिर हद इजी से मॉडरेट, बस इसके आगे नहीं बढ़ेगा. कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड 18th अप्रैल बैच इज ऑलमोस्ट फुल. यू कैन ज्वाइन 21st या फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, आई विल अनाउंस हियर. एंड वीडियोज अब रेगुलर आएंगी, तो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर न्यू कॉन्टेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.